आपके लिए मुख्तलिफ सेगमेंट्स में लेकर आ रही होती हूँ। आज जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो बहुत खास प्रोग्राम है क्योंकि ये होम्योपैथिक के हवाले से है। 10 अप्रैल है और आज के दिन होम्योपैथिक डे मनाया जाता है। अच्छा, सिर्फ दिन मनाना नहीं होता, दिन मनाने का मकसद ये होता है कि इसकी अफादियत के हवाले से बात की जाए। अब मैं तो आपको बता नहीं सकती थी मेरे साथ यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं क्योंकि आज मैं मौजूद हूँ इस खास प्रोग्राम के लिए नास होम्यो क्लिनिक में, और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर एस ए अहमद मौजूद हैं जिनका हिकमत से भी ताल्लुक है और होम्योपैथिक के लिए माशाल्लाह बहुत बड़ा इनका तजुर्बा है और आज हम इनके तजुर्बे से फ़ायदा भी उठाएंगे और इनसे पूछते हैं कि भाई ये होम्योपैथी डे जो मनाया जा रहा है तो इसकी अहमियत जो है वो क्या है, सासन हिकमत की अहमियत क्या है, दोनों बातें जानेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। टीवी, जी हाँ, यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं एस ए अहमद। आइए से बात करते हैं डॉक्टर साहब। आज का बड़ा खास दिन है तो मैं चाहूंगी आप होमियो और हिकमत दोनों के हवाले से बताइएगा इसकी अहमियत क्या। देखिए, हिकमत जो है ये कुदरती इलाज है और ये अल्लाह ताला ने नबियों, पैगंबरों और वलियों के जरिए से हम तक ये पहुँचाया। पहले ज़माने में न कोई किताबें होती थी न कुछ होती थी, लेकिन अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों, खुसूची बंदों के ज़रिए से ये इन बंदों तक पहुँचाया। हकीम लुकमान नबी थे, ये हिकमत के अंदर वो बादशाह थे अपनी फील्ड के अंदर। बात चीज़ें जो है ना, जानवरों के ज़रिए से भी ये इल्म हम तक पहुँचा। इंसान पहले जो मुत्तकी परहेजगार होते थे, जंगल में जाते थे, वहाँ रहते थे, इबादतें किया करते थे, वहाँ वो जानवरों का मुशाहदा करते थे। अगर किसी जानवर को चोट लगी हो, किसी पत्ते पर लेकर रगड़ के उसे लगा लिया, वो ठीक हो गया। किसी को खारिश हो रही तो कोई पौधा उसने खा लिया या रगड़ लिया, तो जानवरों के ज़रिए से भी ये इंसान तक पहुँचा। तो कुदरती इलाज सबसे बेहतरीन इलाज हिकमत है, लेकिन इसको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल नहीं है, न थी न है, इसलिए ये इल्म अब ज़रा थोड़ा सा पीछे चला गया। हमारे बड़े बड़े हुक्मा, नामवर हुक्मा, उन्हीं से जो है ना ये सारा एलोपैथिक और होम्योपैथिक वहीं से इन्होंने आकाश किया, वहाँ से ये तरवीज इसकी वहीं से हिकमत से हुई सारी। उसके बाद अगर आप देखें होम्योपैथिक भी एलोपैथिक डॉक्टर ने ईजाद किया, किसी हकीम ने या किसी और ने नहीं ईजाद किया। एलोपैथिक डॉक्टर वो अपनी फील्ड से मायूस होकर इस तरफ आए, उन्होंने इस पर तवज्जो दी, दवाई ईजाद की, तजर्बा किया। डॉक्टर हनीमन जिसका नाम है, उसने होम्योपैथिक ईजाद की। यह खुद एक बहुत बड़ा एलोपैथिक डॉक्टर था, इसकी वालदा बीमार हुई, कुछ दवाओं की इसको ज़रूरत पड़ी, वो वक्त पर नहीं मिल सकी। उसने सोचा ऐसे इलाज का क्या फ़ायदा जो दवाएं वक्त पे ना मिलें और मरीज़ को फ़ायदा ना हो या मर जाए। तो फिर उन्होंने जस्तु जिसकी आस्ता आस्ता वो हिकमत की, इसको होम्योपैथी की तरफ आए, उनकी दवाएँ जाँच की, तजर्बात किए, जो जो दवाएं उनको मुफीद लगी फिर उन्होंने किताबी शक्ल में लेकर आए, तजर्बात की। तो आज जो है ना, अगर देखा जाए तो दुनिया के 60% ममालिक में जो है ना होम्योपैथिक दवाएँ इस्तेमाल हो रही हैं। जर्मनी में तो 60% होम्योपैथिक इस्तेमाल होती है, बाकी 40% में एलोपैथिक है, हिकमत है, आयुर्वेदिक है, ये इस्तेमाल होती है। अच्छा, होम्योपैथी के बारे में अक्सर एलोपैथिक वाले भी, दूसरे लोग भी बहुत बदनाम करते हैं कि होम्योपैथिक वाले कार्टिजोन इस्तेमाल करते हैं। हाँ, देखते हैं। वो अगर किसी डॉक्टर के सामने, एलोपैथी के सामने आप कहते हैं कि हमने होम्योपैथिक इलाज करा, हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, वो कहते हैं वो तो आपके गुर्दे ख़राब कर देंगे, वो तो कार्टिजोन इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी अगर ये आपसे कहता है, एलोपैथिक डॉक्टर हो या कोई और बंदा ये कहता है कि होम्योपैथिक वाले कार्टिजोन इस्तेमाल करते हैं और उससे बड़ा नुकसान होता है, लेकिन कार्टिजोन जो है ना सिर्फ तकलीफ में कमी कर सकती है, दमा है, जोड़ों का दर्द है, बुखार है, गुर्दों की खराबी है, उसमें कमी कर सकती है, लेकिन आपके गुर्दे मसाने में पथरी है उसको कार्टिजोन नहीं निकाल सकती। सही।
आपके जिस्म में कोई रसौली ट्यूमर है उसको कार्टिसोन नहीं ख़त्म कर सकते, जबकि होम्योपैथिक में अंडे के साइज की रसौलियाँ गिल्टियाँ दवाओं से ख़त्म हो जाती हैं। गुर्दे मसाने की बड़े से बड़े पथरी जो कि एलोपैथिक लेज़र और सर्जरी के बगैर नहीं निकल सकती, जबकि होम्योपैथिक में हमारे पास सिंह से हज़ारों मरीज आते हैं। देखिए इतनी बड़ी बड़ी पथरी है, आप देख सकते हैं ये इसके अंदर मौजूद है। ये सैंपल है, इनके पास रखे हुए हैं सारे सैंपल जिन लोगों की ये किडनी पेशेंट आते हैं उनको हम बताते हैं कि भाई ये दवा इस्तेमाल कर रहे हो, जब भी आप पेशाब करें किसी बाउल वगैरह में करें फिर उसको आस्ता आस्ता 10-15 मिनट के बाद उसको ज़ाया करें, तो जो चीज़ भी होगी नीचे बैठ जाएगी, अगर पथरी वगैरह निकले तो हमें ला के दीजिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ डॉक्टर साहब से और भी जानना चाहूँगी, अब हम जब होम्योपैथी का जिक्र करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पावर होती है, 30 भी होती है, 200 भी होती है, 1 MB होती है, फिर CM पे भी एक आ जाता है। अच्छा लोग ये कहते हैं ओह 200 पावर नहीं है ना, ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर देगी, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा कोई नुकसान करती है। देखिए ये तजर्बात पे बेस करता है, जैसा मर्ज होता है उसके मुताबिक पोटेंसी उसकी कम ज़्यादा की जाती है। तो जहाँ होम्योपैथिक किताबों में और प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क है, किताबों में तो ये लिखा है 200 एक हफ्ते से पहले आप इसे रिपीट ना करें, जबकि हम दिन में 2-3 बार भी दे देते हैं, 1 MB डेली दे देते हैं, बाज़ अवकात सुबह शाम भी दे देते हैं। ये तजर्बात पे बेस करता है, आदमी की अपनी प्रैक्टिस पर मुनहसर है, बस बग़ैर मुताले के बग़ैर पढ़े हुए, हालांकि कैंट डॉक्टर कैंट कहता है बड़ी पोटेंसी जो ना 2-धारी तलवार है उसको बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब आदमी जिस फील्ड में आ जाता है तो बार बार तजर्बे में प्रैक्टिस में जो चीज़ें आ जाती हैं तो उसकी अपनी वो किताब से बिल्कुल हट के हो जाती है। आजकल जो कोरोना चल रहा है, कोरोना क्या है, ये नज़ला जुकाम है, वबाई नज़ला एलर्जिक टाइप का जो है वबा की सूरत में ये फैलता है। हकीम अजमल खान ने 100 साल पहले एक किताब लिखी थी जिसका नाम हाजिर है। अच्छा। और उन्होंने अपनी किताब में वबाई नज़ले जुकाम के का एक मजमून लिखा था, ये देखें 1917 में ये किताब लिखी है जी, इसके पेज नंबर 59। सारी सिम्टम्स अलामत वही हैं जो आजकल कोरोना के अंदर चल रही हैं, ये मैं आपको इसकी पिक्स दूंगा या पढ़िएगा और देखिएगा, सारी वही अलामतें हैं। और इसके अंदर भी यही होता था कि लोग बीमार होते थे और मरते चले जाते थे, हकीम साहब ने ये 1918 में ये नुस्खा बनाया होम्योपैथी का और लोगों को देना शुरू किया। देखिए मैं पढ़ सुना कि मसीह मरहूम 1918 के इन्फ्लुएंजा के ज़माने में इस इलाज से हज़ारा मरीज सेहतियाब हुए, हत्ता के बाद डॉक्टर साहबान ने अपने तरीका इलाज को छोड़कर सिर्फ यही दवाएं इम्तहान करा कर कामयाबी हासिल की। अक्सर मरीज ऐसे भी देखने में आते हैं जो मर्ज के हमले से गुजरने के बाद भी खांसी बुखार कमज़ोरी वगैरह की शिकायत में उलझे रहे और इनमें से बाज बिलाखिर सिल में यानी टीबी में मुबतला होकर राहिए मुल्क के आदम हुए। लेकिन जो लोग के वक्त पर मसीहुल मल्क की खिदमत में पहुंच गए उनके नतायज आम तौर पर बेहतर हुए, चुनाचा हकीम साहब रफ़ शिकायत के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल कराते जिससे हज़ारों बंदगाने खुदा ने शिफा पाई। तो ये आज से 100 साल पहले बिल्कुल सारी अलामतें यही जो आजकल कोरोना में पाई जाती हैं और ये जड़ी बूटियों से अल्लाह के फजल से शिफा याब हुए। की बात में एक बार शामिल करूंगी कि पूरी दुनिया अब दोबारा से हर्ब 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 करके हर्ब दोबारा वापस आ रही है जी। अच्छा डॉक्टर साहब के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ रेफरेंस के लोग बहुत आ रहे होते हैं क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा दी दी है और जो भी कॉम्बिनेशन देते हैं ये मेडिसिन का वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है और इस बात से इनकार कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ पे पेशेंट की लाइन लगी हुई होती है। आज खासतौर पर मेरे लिए टाइम निकाला है इन्होंने और अपना इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो जब तक लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया होता उस वक्त जो है वो अजीबोगरीब किस्म की बातें होती हैं या आप किसी अनाड़ी डॉक्टर के हाथ लग जाते हैं
जहाँ पर आपका इलाज गलत हो जाता है या और किसी अनाड़ी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उसने कोई गलत दवा दे दी, उम्र तकलीफ बढ़ गई, हाँ। तो वो कह देता कि जी हमने उसको उभारा, इस तरह से अपनी जान छुड़ा लेता। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर की बात में एक बात शामिल करती हूँ, गलत इलाज कैसे होता है, एक दवा दूसरी दवा को कट कर रही होती है, तो ये डॉक्टर को पता होता है कि मुझे कॉम्बिनेशन देना क्या है, किसके बाद कौन सी दवा देनी, कौन सी पहले देनी, कौन सी बाद में देनी, ये तजर्बात पे बेस कर दी। अब दो चार किताबें पढ़ के फिर छोड़ कर बैठ गए तो उनके पास ये चीज़ हासिल नहीं होती, नहीं होती। और इनका माशाल्लाह से बहुत 30 साल अल्लाह के फजल से इस फील्ड में गए, 30 साल, और आप पीछे दवाइयाँ देख रहे होंगे, ये तो बहुत कम है, अंदर स्टोर है, वहाँ पर बहुत सारी मौजूद है, ये इनका रूम है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इनसे गुफ्तगू करनी होंगी पैदिक के हवाले से। डॉक्टर साहब के अपने गुफ्तगू करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा भी देते हैं, और पेशेंट जब यहाँ से उठता है तो बड़ा मुतमईन होकर उठता है कि हाँ जी हमें आधा तो मैं कहती हूँ डॉक्टर ठीक कर देता है, आधा तो आप घर जाके ठीक होते हैं। देखिए मरीज परेशान होता है, वो सैकड़ों जगह से धक्के खा के आया होता है, जब तक आप उसकी बात तवज्जो से न सुने, उसको तसल्ली न दें, उसको समझाएं नहीं, उसको मुतमईन न करें, आप कितनी अच्छी से अच्छी दवा दे देंगे वो कहकर डॉक्टर साहब कोई फ़ायदा नहीं हो। लेकिन अगर आप उसकी बात तवज्जो से सुन लें, उसको हमदर्दी से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ, उसको समझाएं, तसल्ली दें, अगर आप उसको मिट्टी भी दे देंगे तो वाकई का डॉक्टर साहब बहुत फ़ायदा होगा। सही, तो समझना, तसल्ली देना, समझाना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कि भाई होम्योपैथिक में तो इतनी नायाब दवाएँ हैं कि मैं किस किस का नाम लूँ, किस किस का जिक्र करूँ, जितनी मेरी नॉलेज है। अब जिद्दी जो बच्चे होते हैं हर वक्त रोते धोते रहते हैं, उसकी बड़ी नायाब सी एक दवा इनके पास होती है, जिससे बच्चे थोड़े से डिसिप्लिन भी हो जाते हैं, उनका चिड़चिड़ापन भी खत्म हो जाता है। इसी तरह बड़ों में होता है कि बड़ों में भी चिड़चिड़ापन होता है, वो भी दूर करती है। मतलब आपकी जो कैफियत होती है ना, जो कंडीशन होती है, होम्योपैथिक उसके हिसाब से आपको ट्रीट करता है। होम्योपैथिक में गुस्से की जो अपने आप से बाहर हो जाते हैं, जो चीज़ हाथ में आए दे मारने की दिल चाहता है उस तक का इलाज है, गालियाँ देने तक का इलाज है, बच्चे कैसे चिड़चिड़ापन बच्चों के अंदर दूर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बस मैं उसके बाद आपका शुक्रिया भी अदा करूँगी, ये बताइएगा होम्योपैथिक दवा जब खाई जाती है तो कहते हैं आपकी ज़बान पर कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, और खाने के फ़ौरन बाद भी आप कुछ ना खाएँ, एटलीस्ट 10 मिनट का इंतजार कर लें, क्योंकि इसका असर ज़बान पर होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे आप डायरेक्ट ज़बान पर ले लें या पानी से ले लें या ऐसी ले लें। हाँ, अलबत्ता जो 5 सिगरेट बीड़ी इस्तेमाल करने वाले होते हैं उनको हम हिदायत करते हैं कि 10-15 मिनट पहले कुल्ली उल्ली कर लें, मुँह साफ़ कर लें, और दवा खाने के बाद भी 10-15 मिनट 5 सिगरेट बीड़ी बदबू वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक दवा के पास अगर आप कोई खुशबू, तेज़ खुशबू या तेज़ बदबू वाली चीज़ अगर रखेंगे तो होम्योपैथिक दवा का असर ज़ाया हो जाएगा। सही, धूप में रखेंगे तो इसका असर ज़ाया हो जाएगा। तो इसके इसीलिए कोई पान सिगरेट वगैरह बदबू होती है तो फौरन बगैर मुंह साफ के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैंने इसी वजह से ये सवाल किया क्योंकि अब स्मोकिंग का रुझान बड़ा बढ़ चुका है, गुटखे का भी रुझान बहुत बढ़ चुका है। नाज़ोमियो क्लिनिक में मैं मौजूद हूँ और डॉक्टर अहमद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप इनसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर भी वहाँ पर है। और साथ साथ मैं ये कहूँगी कि होम्योपैथिक डे जो आज मनाया जा रहा है उसका मकसद भी यही था कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, एंड आई होप कि उस अवेयरनेस क्रिएट करने में मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुई, क्योंकि इतने बड़े डॉक्टर, इतना एक्सपीरियंस आपका 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस कोई आसान बात नहीं होती, इनकी ज़िंदगी का तजुर्बा है, फ़ायदा उठाना चाहें तो बिल्कुल आप उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया, बहुत शुक्रिया। चलिए तो यासमीन को दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।